नामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। बाहुबली 3 के लिए प्रभास बनेंगे डायरेक्टर? क्या है बाहुबली 3 में चाय का कल्चर? कब तक आएगी बाहुबली 3? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। बाहुबली 3 की आने की खुशी जितनी आपको है उतनी ही हमें भी, और उतनी ही खुशी बाहुबली के पूरे कास्ट को भी है। ऐसे में बाहुबली के लीड प्रभास नई नई चीजें ट्राई करने वाले हैं इस मूवी में। नई चीजें से हमारा मतलब है प्रभास बनेंगे बाहुबली 3 में डायरेक्टर। नहीं, राजामौली जी को रिप्लेस नहीं करने वाले, बल्कि उन्हें असिस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं हमारे बाहुबली। उन्होंने अपनी सक्सेस का क्रेडिट पूरा राजामौली जी को करण जौहर के टॉक शो कॉफ़ी विद करण में भी दिया है। तो ऐसे में प्रभास राजामौली जी को गुरु मानते हैं, और एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते प्रभास उनसे सब सीखना चाहते हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि प्रभास मूवी में तलवारबाजी सीखेंगे, जिसके लिए वो फेंसिंग की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। लेकिन अब प्रभास असिस्ट भी करना चाहते हैं राजामौली जी को। बस इसीलिए प्रभास राजामौली जी को कैमरा के पीछे से भी समझेंगे। प्रभास ने ये कंफर्म किया है कि वो राजामौली जी से डायरेक्शन की कला सीखना चाहते हैं, और बाहुबली 3 से अच्छा सेट तो उन्हें मिल ही नहीं सकता। हमारे वेरी ऑन बाहुबली अब डायरेक्शन की दुनिया में भी नाम कमाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने राजामौली जी से बात करने की कोशिश भी की है। राजामौली जी ने फिलहाल इसके लिए मना कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रभास अपने ओरिजिनल एम यानी कि एक्टिंग से अलग हों। उनके हिसाब से फिलहाल या तो वो सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं या फिर डायरेक्शन, इसीलिए ये रिस्क वो नहीं लेना चाहते। राजामौली जी ने प्रभास को रोकने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि ये सही टाइम नहीं है, इसीलिए वो फिलहाल उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभास की कोशिश जारी है। वो राजामौली जी को मनाना तो चाहते हैं, लेकिन मूवी को ख़राब नहीं होने देना चाहते। तो अब देखना ये होगा कि कैसे बिना अपनी परफॉर्मेंस खराब करे प्रभास इस दुनिया से खुद को निकालते हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रभास कामयाब होंगे राजामौली जी को असिस्ट करने में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाहुबली 3 में चाय का कल्चर, इसका क्या मतलब है? क्या मूवी में किसी का कैरेक्टर होगा चाय वाले का? जी नहीं, ये फैक्ट हम लेकर आए हैं कैमरा के आगे से नहीं, बल्कि कैमरा के पीछे से। जी हाँ, बाहुबली की टीम बहुत फन टीम है। सेट पर सभी लोग बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं और एक दूसरे की आदतों को जानते हैं। ऐसे में पूरी टीम ही चाय की दीवानी है, इसीलिए सीन्स के बीच में पूरी टीम चाय ब्रेक्स ले लेती है। तो बस जब प्रभास से पूछा गया कि वो किस चीज़ के लिए बाहुबली 3 में एक्साइटेड हैं, तो उन्होंने फ़न के लिए जवाब में यही कहा, हमारी चाय ब्रेक्स के लिए। अब जब बाहुबली 3 शुरू होगी तो हमें फिर से ये सारे स्टार्स चाय पर डिस्कशन करते हुए दिखेंगे। तो हमने सही ही कहा था कि बाहुबली 3 में होगा चाय का कल्चर। ये कल्चर इन चाय ब्रेक्स का ही होगा। बाहुबली 3 होने वाली थी 2022 में रिलीज़, बट बहुत सी दिक्कतों की वजह से, जैसे स्टार्स के पैक्ड शेड्यूल, लैक ऑफ राइटिंग और कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अब मूवी की शूटिंग 2023 में स्टार्ट होगी। मूवी 2024 के एंड तक बड़े पर्दे पर आ सकती है, लेकिन राजामौली जी इसे बनाने में टाइम ले सकते हैं, इसीलिए मूवी का शेड्यूल 2025 तक भी पुश किया जा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले भी मूवी को बनने में 5 साल लगे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम था। अब बाहुबली की स्टार कास्ट बहुत डिमांड में है और ऑफर्स से भरी पड़ी है, इसीलिए अब मूवी के लिए 5 साल तो नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी राजामौली जी इसे टाइम लेकर ही बनाएंगे। अब राजामौली जी जितना टाइम लेना चाहते हैं लें, लेकिन आप बिल्कुल भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में टाइम मत लीजिएगा। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें बॉलीग्रैंड स्टूडियोज को, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।